नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। महाराष्ट्र का सियासी संकट, शिवसेना का भाजपा पर तंज, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। गुंडीचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ 7 दिन यहीं रहेंगे, 10 जुलाई को लौटेंगे। मणिपुर लैंडस्लाइड में 81 लोग दबे, 15 जवान और 5 नागरिकों के शव निकाले गए, 55 की तलाश जारी। एमपी राजस्थान समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन मेहरबान रहेगा मॉनसून। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गुरुग्राम में हुई रैली में लगे नफरती नारे, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में उपद्रवियों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना, पटना हाई कोर्ट से याचिका खारिज। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद धुआं दिखा, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग टला बड़ा हादसा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर शहर में 5वें दिन कर्फ्यू में ढील का ऐलान, इंटरनेट रविवार तक बंद रहेगा। उद्धव ने महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया कारण। खतरे में ठाकरे का हिंदुत्व, उद्धव ठाकरे बोले अमित शाह वादा निभाते तो आज भाजपा का सीएम होता। बंगाल में रथ यात्रा के दिन बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। महाराष्ट्र के सांगली में पति पत्नी ने की आत्महत्या, 18 महीने की बेटी की मौत से लगा था सदमा। नकली रेमडेसिविर मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्रवाई, लैब रिपोर्ट दबाने वाले सेंट्रल ड्रग्स लैब के डॉक्टर सस्पेंड। कन्हैया हत्याकांड में शामिल थे 5 आतंकी, 2 दुकान से 70 मीटर दूर खड़े थे, गौस रियाज पकड़े जाते तो ये खंजरों से हमला करते। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में किया रोड शो, अपने ऑफिस का भी किया दौरा, यहां 24 जून को हुई थी तोड़फोड़। बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया टाइगर, विभाग ने आसपास बढ़ाई गश्त, अकेले जंगल की तरफ ना जाने की हिदायत दी। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, दमकल कर्मियों ने 1 घंटे में बुझाई आग, लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा। गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 महिला गिरफ्तार, बिना अनुमति के कर रहे थे बियर पार्टी। सुल्तानपुर में 32 साल से सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट चलाता है अपना निजी क्लिनिक, सीएमओ बोले हमको नहीं है जानकारी। कन्नौज में करंट लगने से महिला की मौत, बारिश से समरसेबल में आ रहा था करंट, घर में अकेली थी महिला।
आगरा में ताज किसाई में हिंदुवादियों की रंगबाजी का वीडियो गहराया सीढ़ी, स्मारक पर मनाया जन्मदिन, जमकर हुई नारेबाजी। ट्रक से जिंदा निकाला गया पीआरडी का जवान, मऊ में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, चालक और खलासी को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की हुई मौत, बनारस रेलवे स्टेशन के वॉशिंग यार्ड में सेंटरिंग के दौरान हुआ हादसा। सीतापुर में बिना काम के ही प्रधान ने निकाले रुपए, इसके बाद भी नहीं कराया काम, सीडीओ बोले जांच के बाद होगी वसूली। इटावा में करंट से बुजुर्ग की मौत, पीते पीते वक्त बिजली के खंभे से लगा करंट, मौके पर हुई मौत। गैंगस्टर चोरी और जालसाजों की खुली हिस्ट्री शीटर, अलीगढ़ में अपराधियों पर शिकंजा, पुलिस ने 6 के खिलाफ की कार्रवाई। मिर्जापुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों से ठगी, झांसे में लेकर 14,000 जमा कराई, ट्रेनिंग के नाम पर डांस करवाते हैं। परमहंस ने जलाया ओवैसी का पोस्टर, बोले अगली बार जिंदा जला दूंगा, वो देशद्रोही है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 45,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार। चित्रकूट जिला अस्पताल में जिम्पस और स्वास्थ्यकर्मी में मारपीट, ब्लड रिपोर्ट लेने गई थी, स्वास्थ्यकर्मी ने अभद्रता की। फिरोजाबाद के कारखानों में 2 की मौत, 1 की करंट से, दूसरे का फैक्ट्री के जनरेटर रूम में मिला शव। औरैया में जिंदा हो गई महिला, पिता ने दर्ज कराई हत्या की शिकायत, भाई के साथ थाने पहुंची तो हुआ खुलासा। सपा सांसद बोले कन्हैया की मौत के लिए नूपुर जिम्मेदार, हसन ने कहा क्राइम करके माफी मांग ले, ये संभव नहीं। सांसद रवि किशन ने पहली बार किया ब्लड डोनेट, बोले डॉक्टरों की वजह से कोरोना मुक्त हुआ देश। बाराबंकी में भाजपा नेता ने सरकार के खिलाफ फूका बिगुल, कहा सरकार हमारी फिर भी हमसे मंगवाई जा रही माफी। अलीगढ़ श्रावस्ती समेत 5 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, सीएम योगी ने एमओयू किया साइन। हमीरपुर में जरा सी चूक से ग्राम पंचायत अधिकारी के घर पसरा मातम, मासूम बेटे ने छोटे भाई पर चला दी गोली, मासूम की मौत। लखनऊ में मनेगा आजादी का अमृत महोत्सव, 1 हफ्ते भर लहराएंगे 7 लाख तिरंगे। हापुड़ में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, दोषी पर 35,000 का जुर्माना, 2014 में घटना को दिया था अंजाम। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 17 लोग हुए घायल, ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। गैंगस्टर की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, 22 अलग अलग मुकदमे हैं दर्ज, 2 थानों की पुलिस रही मौजूद।
यूपी में भी उदयपुर जैसी धमकियां। मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ता से कहा 17 तारीख को अपना नंबर, चार लोगों को वार्निंग। देशभक्ति के गीत सुनकर इमोशनल हुए सीएम योगी। लखनऊ में मेरठ क्रांति से लेकर काकोरी कांड पर सुने गीत। रामपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, दो डिब्बों के निकले दो पहिए। पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजाद नगर से पीछे रोकना पड़ा। सपा पार्षद जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने वार्ड 70 के पार्षद इदरीश समेत तीन को पकड़ा। उत्तराखंड में चट्टान दरकने से यमुनोत्री हाईवे बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी, बिजली गिरने से मरी 36 बकरियां। देहरादून में महिलाओं को कमरों में बंद कर बदमाशों ने लूटा घर। शहर में तीन घरों में हुई वारदात, मचा हड़कंप। उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। कौशल विकास के साथ होगी कारोबार से जोड़ने की पहल। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया, अब दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड बनेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। सरकारी स्कूलों को लेकर जताई चिंता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश। उत्तराखंड में 8 साल से नहीं हुई लोकायुक्त की तैनाती। कार्यालय में लंबित 1615 शिकायतें। नैनीताल में नगीना कॉलोनी के लोगों ने विधायक के आवास पर दिया धरना। अतिक्रमण हटाने के नोटिस से गुस्साए लोगों ने किया धरना। रुद्रपुर के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर नहीं होने से आपातकालीन सेवाएं प्रभावित। बगैर है ट्रॉमा सेंटर चल रहे सरकारी अस्पताल। सीडी ने ब्लॉक में मारा छापा। निर्माणाधीन भवन की खराब गुणवत्ता देख अव्यवस्थाओं पर एईजेई और एडीओ पंचायत ने जवाब तलब किया। उत्तरकाशी में दिल्ली पुलिस की फर्जी भर्ती मामले में अभियुक्तों को 5-5 साल का कठोर कारावास, 1-1 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों ने जमकर फैलाई गंदगी। सफाई में 10 हजार किलो निकला कचरा। मौसम विभाग की चेतावनी, प्रदेश में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट। बिजली दरों में बढ़ोतरी की यूपीसीएल की याचिका खारिज। नियामक आयोग ने कहा कोई मजबूत आधार नहीं। उत्तराखंड में नकली दवाओं संग एक गिरफ्तार। एसटीएफ ने गोदामों पर मारे छापे। नामी कंपनियों के लेबल लगाकर बनाई जा रही थी दवाएं। पाकिस्तान में वाईफाई पर ईशनिंदा का आरोप। लोगों ने जमकर मचाई तोड़फोड़। सैमसंग के 27 कर्मचारी हिरासत में। धरती की तरफ बढ़ रहा था भीमकाय एस्ट्रॉइड। 2052 में बन सकता था खतरा।
अमेरिकी मंत्री करेंगे दाऊद को लेकर चर्चा, इस्लामाबाद में उठाएंगे नशा तस्करी का मुद्दा। सूटकेस से निकले कछुए गिरगिटर साहब, थाईलैंड एयरपोर्ट पर भारतीय महिलाओं के पास मिले 109 जिंदा जानवर। भारतीय जेल में मनमाने ढंग से बंद है जगतार सिंह जोहल, पहली बार बोले बोरिस जॉनसन, एनआईए कर रही 8 मामलों में जांच। तेज भूकंप के झटकों से दहला दक्षिणी ईरान, 3 की मौत 19 घायल, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज। हांगकांग पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा सत्ता देशभक्तों के हाथ में होनी चाहिए, गद्दारों के पास नहीं। अमेरिका यूक्रेन को 82 करोड़ डॉलर के हथियार देगा, ओडेसा में अपार्टमेंट हमले ने अब तक 21 की मौत। अरब मुल्कों को ईरान से बचाएगा इजराइल, दुनिया का सबसे आधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम देगा। पाकिस्तान ने कबूला हमारी जेलों में बंद है 682 भारतीय, भारत बोला जल्द रिहा करो। नए आईटी नियमों का असर, व्हाट्सएप ने बैन किए 19 लाख से ज्यादा अकाउंट, यूजर्स की शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई। पिछले साल से 56% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, जून में जीएसटी से मिले 1.45 लाख करोड़ रुपए, मार्च 2022 के बाद से जीएसटी 1.40 लाख करोड़ के ऊपर। सोने की कीमतों में शानदार तेजी, इस हफ्ते सोना 770 रुपए महंगा हुआ, चांदी 2734 रुपए सस्ती होकर 58,000 के नीचे आई। जीएसटी के 5 साल, वर्तमान जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद, कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर लगाया टैक्स, यूएस यूरोप को तेल बेचकर मुनाफा कमा रही रिफाइनरियां। पहली छमाई में गौतम अडानी पड़े सब पर भारी, मस्क बेजोस को पड़ा नुकसान। बिटकॉइन में आज फिर गिरावट, क्रिप्टो मार्केट में हरा रंग रहा हावी। एनटीपीसी ने तेलंगाना में पूरी की देश की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना, 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की होगी बचत। मैन्युफैक्चरिंग पर महंगाई की मार, विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि 9 महीने के निचले स्तर पर। सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने 3 एरोस कैपिटल पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। द्रविड़ में दिखा गांगुली जैसा एग्रेशन, भारत ने 98 रन गवा दिए थे, 5 विकेट, पंत ने शतक जमाया तो उछल पड़े। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे बेन स्टोक, वनडे टीम में जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की वापसी। दीप्ति के दोहरे प्रदर्शन से भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, 1-0 की बढ़त ली।
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया, 5 रन का मिला था लक्ष्य। सत्रह साल की फुटबॉलर के साथ दुर्व्यवहार, यूरोप दौरे पर भारतीय खिलाड़ी के साथ टीम के विदेशी कोच ने की गलत हरकत। भारत इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट, टीम इंडिया ने 36 साल बाद बर्मिंघम में 300 से ज्यादा रन बनाए। पंत ने धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, भारतीय विकेटकीपर के तौर पर सबसे तेज सेंचुरी लगाई, 19 चौके और 4 छक्के भी जड़े। पंत जडेजा के नाम रहा बर्मिंघम टेस्ट का पहला दिन, 6 विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी। चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से हारकर मलेशिया ओपन से पीवी सिंधु बाहर, एचएस प्रणय का अभियान भी खत्म। इंग्लैंड में दिखा कोहली का पुष्पा अवतार, नेटफ्लिक्स के दौरान शुभमन गिल के साथ की मस्ती, अब वायरल हो रहा वीडियो। अब तारक मेहता छोड़ रहे हैं टप्पू, भिड़े ने कहा मैंने पिछले कुछ दिनों से राज उनादकट को सेट पर नहीं देखा। रकुलप्रीत सिंह ने शेयर किया वीडियो, वॉशिंगटन डीसी में कपिल देव और सदगुरु के साथ गोल्फ खेलती नजर आई एक्ट्रेस। कोरोना पॉजिटिव हुई निकिता मोली, पोस्ट शेयर कर लोगों से की मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील। सुरभि तिवारी ने अपने पति पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप, कहा खर्च चलाने के लिए बेचने पड़े जेवर। कपिल शर्मा ने मजेदार अंदाज में फैंस से पूछा हेलो फ्रेंड्स जूस पी लो, यूजर्स बोले आ रहे हैं तैयार रखिए। प्रिया मिर्जा ने लिखा उद्धव ठाकरे को थैंक यू नोट, विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्ट करते हुए कहा कौन सा प्लेनेट, प्लेनेट बॉलीवुड। हरियाणा सरकार जल्द लाएगी फिल्म और मनोरंजन नीति, पिंजौर में बनेगी फिल्म सिटी, सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। अनुराग कश्यप ने बताया बॉलीवुड के माहौल को रिस्ट्रिक्टेड बोले फिल्म बनाते समय डर लगता है। प्राजक्ता पर चढ़ा नाच पंजाब का जादू, एक्ट्रेस ने 54वीं मंजिल पर लटकते हुए किया नाच पंजाब सॉन्ग पर हुक स्टेप। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो